आपको जानकर आश्चर्य होगा, ब्रिटिश पीरियड में स्कॉलर्स को 6 पाउंड दिया जाता था पर पेज उसको करप्ट करने के लिए, हमारे वेद शास्त्रों का। दिल्ली में मैक्स मुलर भवन है, आप वहीं जाके इतिहास पढ़ सकते हैं। उसको लाए इसीलिए गया था कि वेद के पृष्ठों में संशोधन करो, आगे पीछे करो चीजों को। पर जब उसने वैदिक साहित्य को पढ़ा, जब उसने यहां के फिलॉसफी को पढ़ा, जब उसने भारत के अध्यात्म का अनुभव किया, उसने कहा मैं वेद को नहीं बदल सकता क्योंकि वेद ने मुझे बदल दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम किसी देश से 50 साल पीछे हो सकते हैं, आज हम मेडिकल साइंस के नाम पर शायद 20 साल पीछे हो सकते हैं, पर एक बात अभी भी कहना चाहता हूं, फिर भी इस देश से स्वामी जी जैसा कोई धर्मगुरु जाता है तो मंच पर बैठता है और अमेरिका भी चरणों में बैठता है। भक्ति वेदांत स्वामी जाते हैं जो परदेशियों को भी जनेऊ चुटिया कंठी पहना के माला दलवा के भगवान की सेवा में रत कर देते हैं। इस देश की सबसे बड़ी ऊर्जा यहां का अध्यात्म है।